हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10, विषय हमारा गणित है, कार्यपत्रक नंबर 98 और ये कार्यपत्रक है 28 फरवरी 2022 के लिए। ठीक है, तो इस कार्यपत्रक में हम लोग पढ़ेंगे माध्य निकालना पढ़ेंगे। किस विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, माध्य निकालेंगे प्रत्यक्ष विधि से। दो प्रश्न दिए गए हैं इसके और दोनों प्रश्नों को हम लोग को माध्य निकालना है प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, तो इस तरह से ये दो प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। एक कारखाने के 50 श्रमिकों के दैनिक वेतन के निम्नलिखित वितरण पर विचार करें। दैनिक मजदूरी दिए गए हैं, श्रमिकों की संख्या दी गई है। लास्ट में सवाल पूछा है कि कारखाने में श्रमिकों की औसत दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। औसत दैनिक मजदूरी का मतलब होता है मीन, यानी माध्य निकालना। ठीक है, तो माध्य मजदूरी हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। सेकेंड क्वेश्चन ये है, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित बंटन का माध्य 18 है। माध्य पहले ही दे दिया 18। F का मान ज्ञात कीजिए। F यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर है F। ठीक है, ये F दिया है, इसका मान हमको निकालना है। तो चलिए फिर, ये दोनों प्रश्न आप लोगों ने देख लिया, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए। ठीक ना, आगे चलते हैं तो इन दोनों को अच्छे से समझते हैं कि ये कैसे होंगे, इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक ना, तो चलिए फिर चलते हैं और इन दोनों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले सवाल में है कि एक कारखाने के 50 श्रमिकों के दैनिक वेतन के निम्नलिखित विवरण पर विचार करें। ठीक है, दैनिक मजदूरी दी गई है इतना से इतना, मतलब दैनिक वेतन 50 श्रमिकों का। ठीक ना, कारखाने के श्रमिकों की औसत दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। औसत यानी क्या होता है? माध्य। तो हमको इसमें माध्य निकालना है। किस विधि से निकालना है? प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, तो औसत मजदूरी हमको निकालनी है, औसत दैनिक मजदूरी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हमको दैनिक मजदूरी दी गई है, ये दिया गया है, और श्रमिकों की संख्या ये दी गई है। तो यहाँ पर ये दैनिक मजदूरी एक तरह से कह सकते हैं कि ये वर्ग अंतराल है और ये है बारंबारता। ठीक ना, तो अब हमको क्या निकालना है? XI निकालना है। तो XI आप लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, हम लोग ऐसे निकालते हैं कि इन दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड कर देते हैं। ठीक ना, तो 110 और 120 कितना हो गया? ये हो गया 220, और 220 बटे दो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ठीक ना, फिर ऐसे ही इन दोनों को जोड़िए तो ये हो जाएगा 120 और 140, ये हो जाएगा 260। 260 में दो का भाग दे दीजिए तो आ जाएगा 130। मतलब इसमें 20-20 जोड़ते जाइए, क्योंकि इनका वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग माप कितना है, यहाँ पे 20 है ना, 20 का अंतर है, देखिए 20 का अंतर है, सब में 20 का अंतर है, तो इसको भी 20 का बढ़ाते जाइए। तो 110 यहाँ पे, 130 यहाँ पे, फिर इसमें 20 जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा, फिर इसके बाद इसमें 120 जोड़ेंगे तो 170, इसमें 20 जोड़ेंगे तो 190 आ जाएगा। इतना हो गया। ठीक है, अब अगला कॉलम हमारा क्या होता है प्रत्यक्ष विधि में? FIXI। FI यानी बारंबारता और XI यानी ये। ठीक है, इन दोनों का गुणा करके हमको लिखना होता है। तो 12 और 110 का गुणा करिए तो ये आ जाता है 1320। ठीक है, कितना आता है? 1320। आगे इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आता है 1820। ठीक है, इसके बाद इसका 15 × 8 = 120। ठीक है ना, 120 यानी 1200 हो गया ये। 17 × 6 = 102, 102 यानी 1020 हो गया। फिर 19 × 10 = 190 यानी 1900 हो गया। ठीक है, तो हमने सभी का गुणा कर करके लिख दिया। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि यहाँ पर इसका टोटल निकाला, यानी सिग्मा FI निकालना होता है। तो सिग्मा FI बराबर क्या हो जाएगा? इन सभी को जोड़ दीजिए। तो श्रमिकों की संख्या 50 दी गई है तो जोड़ेंगे तो 50 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 50। साथ में इसको भी जोड़ना होता है तो इसको भी जोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा? सिग्मा FI इंटू XI, ये आता है इन सभी को जोड़ने पर 7260। ठीक है, इतना आ जाता है। अब हमारा अगला क्या होता है? माध्य निकालना। माध्य यानी यहाँ पर औसत दैनिक मजदूरी। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर औसत दैनिक मजदूरी। ठीक है, औसत दैनिक मजदूरी यानी एक्स बार, या फिर माध्य भी कह सकते हैं। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा FI इंटू XI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। ठीक है, मान यहाँ पे क्या है?
7260 बटे ये हो जाएगा 50, ठीक है। जीरो से जीरो काट दीजिए, आ गया 726 बटे 5, यानी इसको जब भाग करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आपका 145.2 ये आ जाता है, ठीक है। तो इतना हमारा माध्य आ जाएगा, इतना रुपए, ठीक है। तो दैनिक मजदूरी, औसत दैनिक मजदूरी कितनी आ जाएगी, 145.20 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया पहला प्रश्न हमारा। अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर दूसरे प्रश्न में है, निम्नलिखित बंटन का माध्य 18 है। माध्य कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। एफ का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पे जो आवृत्ति में एफ है ना, ये वाला एफ, इसका मान हमको निकालना है कि कितना होगा। माध्य हमको दे दिया गया है 18। तो चलिए फिर प्रत्यक्ष विधि से निकालते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहले ये चीज़ दिए गई है, ठीक है, वर्ग अंतराल दिया गया है और आवृत्ति दी गई है, दोनों चीज़ आपके प्रश्न में दिए गए हैं। अगला स्टेप जो हमारा होता है वो एक्स आई निकालना होता है। अगला कॉलम हम लोग एक्स आई का बनाएंगे, फिर उसके बाद एफ आई इंटू एक्स आई का बनाएंगे, ठीक ना। तो एक्स आई कैसे निकलता है, इन दोनों का ऐड करिए, दो से डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा 11 13 24 24 बाई 2, यानी 12 आ गया। फिर इन दोनों का ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और 28 बटे 2 14 हो जाएगा। ऐसे ही दो दो का बढ़ाते चलिए, है ना। तो 14 में फिर 2 बढ़ाएंगे तो 16 आ जाएगा, 16 में 2 बढ़ाएंगे तो 18 आ जाएगा, फिर 18 में 2 बढ़ाएंगे तो 20 आ जाएगा, फिर 20 में 2 बढ़ाएंगे तो 22 आ जाएगा, 22 में 2 बढ़ाएंगे तो 24 आ जाएगा, क्योंकि इनमें अंतराल, अंतर कितने का है, 2-2 का है, ठीक है। इसलिए हम लोग 2-2 बढ़ाते चले गए। अब गुणा करना है एफ आई और एक्स आई का, इन दोनों का, इसका और इसका, यानी बारंबारता आवृत्ति और जो हमारा एक्स आई निकाले हैं इसका, ठीक है। तो 12 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 14 6 यहाँ पे कितना होगा, हो जाएगा ये 84, ठीक है, 14 6 84। फिर 16 9 144, ठीक ना। फिर 18 गुड़े 13 करेंगे तो 234 आ जाएगा। फिर 20 का एफ के साथ तो 20 एफ, ठीक है। फिर 22 का 5 के साथ तो आ जाएगा 110। फिर 24 का 4 के साथ कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 2 48 48 2 96, ठीक है, आ गया 96। अब अगला स्टेप दोनों को जोड़ना होता है, तो जोड़ दीजिए। यहाँ पे जब हम लोग इसको जोड़ते हैं, इसको, तो सिग्मा एफ आई का मान आता है हमारे पास 40 प्लस एफ, क्योंकि ये एफ यहाँ पे अलग से है ना, तो इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा, बाकी सबको जोड़ दिए। तो 6 3 9 9 2 9 18 और 5 4 9 3 27, 27 और 13 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 प्लस एफ, ठीक है। फिर इसके बाद इन सभी को जोड़ देते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर इन सभी को जोड़ने पर ये आता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर, इन सभी को जोड़ेंगे, इसको छोड़कर 20 एफ को छोड़कर, बाकी इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 704 और प्लस में कर देंगे 20 एफ, ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो आगे कैसे करेंगे, देखिए माध्य हमारा क्या दिया है, एक्स बार दिया है, यहाँ पर 18 दिया है, ठीक ना, 18 दिया है। और सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स बार का वैल्यू कितना है, 18 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 18 बराबर। आगे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर इसका मान कितना आया है, 704 प्लस 20 एफ, ठीक है, बटे में क्या होगा, सिग्मा एफ आई यानी 40 प्लस एफ, ठीक है। अब इसको इधर गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने पर यहाँ पे कर देते हैं हम लोग, है ना। देखिए 18 का गुणा हो जाएगा 40 प्लस एफ के साथ और बराबर हो जाएगा 704 प्लस 20 एफ, इतना हो गया, ठीक है। इसका 18 चौको 18 36 2 72 यानी 720 हो गया, ठीक है। 18 चौको 72 प्लस 18 का एफ के साथ तो ये हो जाएगा 18 एफ बराबर, ये हो जाएगा 704 प्लस ये कितना होगा, 20 एफ हो जाएगा, ठीक ना। एफ वाले को उधर ले जाइए और इस 704 को इधर ले आते हैं, तो 720 माइनस 704 बराबर 20 एफ, और इस प्लस 18 को उधर ले जाएंगे तो 18 एफ हो जाएगा। इसको इसमें घटा दीजिए तो 20 में से 4 गया 16, है ना, बराबर यहाँ पे 20 में से 18 गया 2 एफ आ जाएगा, यानी एफ बराबर 16 बटे 2 और ये हो जाएगा 8,
ठीक ना। तो f का मान कितना आ गया, 8 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो मिसिंग f था ना, इसका वैल्यू आएगा 8 आएगा, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों वर्कशीट हमारे कंप्लीट हो गए। हमने अच्छे से समझ लिया कि किस तरह से इन प्रश्नों को किया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है ऐसे प्रश्नों की। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए इसकी और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, ठीक ना। तो वर्कशीट हमारा 98 कंप्लीट हुआ, जो कि 28 फरवरी के लिए था, आज ही के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। तो अगर आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, मिल जाएगा, जाके जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। तो फिर चलते हैं अगले वर्कशीट पर, मिलते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद।